विक्रम भट्ट ने साल 1992 में मूवी जानम से एज ए डायरेक्टर बॉलीवुड में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। इस मूवी के लीड कास्ट में राहुल राय, पूजा भट्ट, रीमा लागू, परेश रावल और विक्रम गोखले शामिल थे। ये एक रोमांटिक मूवी थी। इस मूवी का बजट 50 लाख था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 42 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 79 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 1994 में इनकी अगली मूवी आई मदहोश। इस मूवी के लीड कास्ट में दिलीप धवन, अंजलि जट्ठार, फैसल खान, सुप्रिया पाठक और किरण कुमार शामिल थे। ये एक रोमांटिक मूवी थी। इस मूवी का बजट 1,20,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 77 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 1,45,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 1995 में इनकी अगली मूवी आई गुनाहगार। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, पूजा भट्ट, टिस्का चोपड़ा, अतुल अग्निहोत्री और किरण कुमार शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 1,75,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1,67,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 2,84,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1996 में इनकी अगली मूवी आई फरेब। इस मूवी के लीड कास्ट में फराज खान, सुमन रंगनाथन, विश्वजीत प्रधान और मिलिंद दुनाजी शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 1,00,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 3,00,00,000 कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 6,00,00,000 कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1996 में ही इनकी अगली मूवी आई बम्बई का बाबू। इस मूवी के लीड कास्ट में सैफ अली खान, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, दिलीप ताहिल और मुश्ताक खान शामिल थे। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 1996 में ही इनकी अगली मूवी आई गुलाम। इस मूवी के लीड कास्ट में आमिर खान, रानी मुखर्जी, शरद सक्सेना, दीपक तिजोरी और रजत कपूर शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 7,00,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 13,00,00,000 कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 24,00,00,000 कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 2001 में इनकी अगली मूवी आई कसूर। इस मूवी के लीड कास्ट में आफताब शिव दसानी, दिव्या दत्ता, अपूर्वा अग्निहोत्री, लिसा रे, इरफान खान और आशुतोष राणा शामिल थे। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 5,00,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 6,00,00,000 कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 10,00,00,000 कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 2002 में इनकी अगली मूवी आई राज। इस मूवी के लीड कास्ट में दीनू मौर्या, विपाशा बसु, मालिनी शर्मा, अली असगर और आशुतोष राणा शामिल थे। ये एक हॉरर म्यूजिकल ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 5,25,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 21,46,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 36,00,00,000 कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर रही। साल 2002 में ही इनकी अगली मूवी आई अवारा पागल दीवाना। इस मूवी के लीड कास्ट में सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, आफताब शिव दसानी, आरती छाबरिया, अमृता अरोड़ा, जानी लीवर और परेश रावल शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट
13 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 16 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 28 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 2002 में ही इनकी अगली मूवी आई आप मुझे अच्छे लगने लगे। इस मूवी के लीड कास्ट में ऋतिक रोशन, अमीषा पटेल, किरण कुमार और मुकेश तिवारी शामिल थे। ये एक एक्शन रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2003 में इनकी अगली मूवी आई इंतहां। इस मूवी के लीड कास्ट में अश्मित पटेल, विद्या मालवदे, अनूप सोनी और अवतार गिल शामिल थे। ये एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 2 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 2 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2003 में ही इनकी अगली मूवी आई फुटपाथ। इस मूवी के लीड कास्ट में इमरान हाशमी, आफताब शिवदसानी, विपाशा बसु, इरफान खान और राहुल देव शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 5 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 5 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 7 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2004 में इनकी अगली मूवी आई एतबार। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, जान अब्राहम, विपाशा बसु, दीपक शिकरे और प्रमोद माउथो शामिल थे। ये एक एक्शन म्यूजिकल ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 10 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 5 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 8 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2005 में इनकी अगली मूवी आई ऐलान। इस मूवी के लीड कास्ट में जान अब्राहम, अर्जुन रामपाल, अमीषा पटेल, लारा दत्ता, मिथुन चक्रवर्ती और राहुल खन्ना शामिल थे। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी का बजट 15 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 8 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 13 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2005 में ही इनकी अगली मूवी आई जुर्म। इस मूवी के लीड कास्ट में बॉबी देओल, लारा दत्ता, शक्ति कपूर, मिलिंद सोमन और फिरदौस मेवालाल शामिल थे। ये एक क्राइम मिस्ट्री ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 9 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 5 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 6 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2005 में ही इनकी अगली मूवी आई दीवाने हुए पागल। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, शाहिद कपूर, रिमी सेन, जानी लीवर, परेश रावल और ओम पुरी शामिल थे। ये एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 20 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 16 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 27 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2006 में इनकी अगली मूवी आई अनकही। इस मूवी के लीड कास्ट में आफताब शिवदसानी, अमीषा पटेल, ईशा देओल, विकास भल्ला और ऋषिता भट्ट शामिल थे। ये एक रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 6 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1.5 करोड़ रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 1.75 करोड़ रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2007 में इनकी अगली मूवी आई रेड द डार्क साइड। इस मूवी के लीड कास्ट में आफताब शिवदसानी, अमृता अरोड़ा, सेलिना जेटली, सुशांत सिंह और किशोरी शाहड़े शामिल थे।
ये एक रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 4 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 4 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 6 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2007 में ही इनकी अगली मूवी आई स्पीड। इस मूवी के लीड कास्ट में जायद खान, संजय सूरी, उर्मिला मांदोटकर, तनुश्री दत्ता और आफ्ताब शिव दसानी शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी का बजट 9 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1,13,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 1,58,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2007 में ही इनकी अगली मूवी आई लाइफ में कभी कभी। इस मूवी के लीड कास्ट में आफ्ताब शिव दसानी, डीनो मौर्या, निकिता आनंद, रजत बेदी और मोहनीश बहल शामिल थे। ये एक ड्रामा थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी का बजट 5 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 79,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 1,05,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2008 में इनकी अगली मूवी आई 1920। इस मूवी के लीड कास्ट में रजनीश दुग्गल, अदा शर्मा, राज जुत्सी और अमीन हाजी शामिल थे। ये एक हॉरर मिस्ट्री रोमांटिक मूवी थी। इस मूवी का बजट 7 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 10 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 14 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 2010 में इनकी अगली मूवी आई शापित। इस मूवी के लीड कास्ट में आदित्य नारायण, राहुल देव, श्वेता अग्रवाल और मुरली शर्मा शामिल थे। ये एक एडवेंचर हॉरर रोमांटिक मूवी थी। इस मूवी का बजट 9 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 8 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 11 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2011 में इनकी अगली मूवी आई हॉन्टेड 3D। इस मूवी के लीड कास्ट में मेमोह चक्रवर्ती, अचिंत कौर, टिया वाजपेयी, प्राची शाह और मोहन कपूर शामिल थे। ये एक एक्शन फैंटेसी हॉरर मूवी थी। इस मूवी का बजट 13 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 26,39,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 36,03,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 2012 में इनकी अगली मूवी आई डेंजरस इश्क। इस मूवी के लीड कास्ट में करिश्मा कपूर, दिव्या दत्ता, जिमी शेरगिल, आर्य बब्बर और रजनीश दुग्गल शामिल थे। ये एक फैंटेसी मिस्ट्री रोमांटिक मूवी थी। इस मूवी का बजट 26 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 5 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 8 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2012 में इनकी अगली मूवी आई राज 3। इस मूवी के लीड कास्ट में बिपाशा बसु, ईशा गुप्ता, इमरान हाशमी और मनीष चौधरी शामिल थे। ये एक हॉरर रोमांटिक थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी का बजट 31 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 67 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 95 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही। साल 2014 में इनकी अगली मूवी आई क्रिएचर 3D। इस मूवी के लीड कास्ट में बिपाशा बसु, इमरान अब्बास, मुकुल देव और विक्रमजीत कंवरपाल शामिल थे। ये एक एक्शन हॉरर साइंस फिक्शन मूवी थी। इस मूवी का बजट 25 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 15 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 21 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही।
साल 2015 में इनकी अगली मूवी आई मिस्टर एक्स। इस मूवी के लीड कास्ट में इमरान हाशमी, तन्मय भट्ट, अमायरा दस्तूर और अरुणोदय सिंह शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 37 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 19 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 30 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2016 में इनकी अगली मूवी आई लव गेम्स। इस मूवी के लीड कास्ट में पत्र लेखा पाल, गौरव अरोड़ा, रुखसार रहमान और तारा अलीशा बेरी शामिल थे। ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी का बजट 10 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 3 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 4 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2016 में ही इनकी अगली मूवी आई राज रिबूट। इस मूवी के लीड कास्ट में इमरान हाशमी, कीर्ति खरबंदा और गौरव अरोड़ा शामिल थे। ये एक हॉरर मिस्ट्री रोमांटिक मूवी थी। इस मूवी का बजट 31 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 29 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 37 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2018 में इनकी अगली मूवी आई 1921। इस मूवी के लीड कास्ट में जरीन खान, करण कुंद्रा, डेविड टर्नर और खुद विक्रम भट्ट शामिल थे। ये एक हॉरर मिस्ट्री रोमांटिक मूवी थी। इस मूवी का बजट 15 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 15 करोड़ 41 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 20 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में बिलो एवरेज रही। साल 2019 में इनकी अगली मूवी आई घोस्ट। इस मूवी के लीड कास्ट में गायत्री अय्यर, सनाया ईरानी, शिवम भार्गव, अनन्या राज और खुद विक्रम भट्ट शामिल थे। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2020 में इनकी अगली मूवी आई हैग्ड। इस मूवी के लीड कास्ट में हिना खान, रोहन शाह, मोहित मल्होत्रा, कोमल छावड़िया और सिड मक्कड़ शामिल थे। ये एक थ्रिलर मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको एज ए डायरेक्टर विक्रम भट्ट की सभी मूवीज के बारे में बता दिया। विक्रम भट्ट की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।